हत्या एक बेहद भयानक अपराध है, लेकिन कई बार इतनी छोटी छोटी बातों के लिए इस अपराध को अंजाम दे बैठते हैं लोग कि सुनकर हैरानी भी होती है और अफसोस भी। एक लड़की जिसकी अभी हाल ही में शादी हुई थी, जो अभी शादी के बाद अपनी नई जिंदगी शुरू ही कर रही थी, ससुराल में नए रिश्तों और नए लोगों को समझने या निभाने की कोशिश कर रही थी, कि शादी के कुछ ही दिन बाद अचानक एक दिन जब वो घर में अकेली थी उसकी हत्या कर दी गई। आखिर किस इरादे से इस भयानक वारदात को अंजाम दिया गया? जी, हमारी रश्मि बचपन से ही ऐसी है। लोगों के सामने आने में इसे बड़ा संकोच होता है। भगवान इसे नजर ना लगाए। रूप की बहुत धनी है तुम्हारी बेटी। बड़ी बहू, कैसे लगी तुम्हें तुम्हारी देवरानी? जी, सच में बहुत प्यारी है। तो फिर हम ये रिश्ता पक्का समझे? भाई साहब, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का ही समझिए। अरे भगवान, जरा संदन जी का मुंह तो मीठा कराओ। जी सर। संदीप जी, आप भी तो मुंह मीठा कीजिए। जी जी। अरे लो बेटा, लो, मुबारक लो, लो। बहुत बहुत मुबारक हो आप। आप भी मुंह मीठा कीजिए, आपको भी इतनी ही बधाई हो। थोड़ा और लीजिए। अरे आइए। हम नहीं मानने वाले पापा जी, आप समझते क्यों नहीं है? हमें नहीं करनी ये शादी। अरे रश्मि बेटा, ऐसा नहीं कहते। बेटा, हम जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। झूठ बोल के किसी का भला नहीं होता पापा। आप उन्हें सच क्यों नहीं बता देते कि हम? बेटा, तेरा ये सच इस रिश्ते को तोड़ देगा। रश्मि बेटा, इतनी मुश्किल से इतना अच्छा घर, इतना अच्छा परिवार मिला है। तो देखो बेटा, हम इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। देख बेटा, जिद मत कर। तू जानती है ना, सच जानने पर कोई तुझसे शादी नहीं करेगा। अरे वाह, अविनाश वेड रश्मि। वाह माँ, कार का डिजाइन तो आपने बहुत अच्छा पसंद किया। हाँ, हमारे मेहमानों की लिस्ट भी तैयार है। अब जल्दी से इनके नाम कार्ड पे लिख के मिठाई के साथ कार्ड बांटना शुरू करो। तुम भी अपनी लिस्ट बनाओ दोस्तों। बना देता हूँ। देवर जी। नहीं भाभी, चाय नहीं, थैंक यू। माँ जी, बहू जी आओ। कितनी बार हम कहें, खोटी चीजें हमें एक आंख नहीं भाती, तो फिर ये टूटा हुआ कप यहां क्या कर रहा है? माँ जी, वो बस बस, आगे से जरा ध्यान रहे। जिसमें जरा सा भी खोट हो, हमें हमारे घर में दिखाई नहीं देनी चाहिए। साफ करो इसे। जिस तैयार हुई? हाँ जी, हाँ जी। नीता, तुम्हारा फोन बज रहा है। अब जाओ, जरा जाके देखो किसका फोन है। जी। हेलो। हेलो नीता दीदी, हम बोल रहे हैं रश्मि। हाँ रश्मि, बोलो। दीदी, वो हमें अविनाश जी को कुछ बताना था। क्या आप उन्हें अपने साथ कहीं बाहर लेके आ सकती हैं, अकेले? रश्मि, लेकिन हम भी अकेले ही होंगे। दीदी प्लीज, हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है। क्या ये सब कुछ तुम अब हमें बता रही हो? शादी के कार्ड छप चुके हैं, सारे रिश्तेदारों को न्योता भेजा जा चुका है, और रश्मि तुम अब ये सब बता रही हो? सॉरी दीदी, लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि आप लोगों को कैसे बताएं ये सब। लेकिन ये सोचकर भी चैन नहीं मिल रहा था। शादी जैसे पवित्र रिश्ते की बुनियाद झूठ और फरेब पे नहीं होनी चाहिए। अविनाश जी, तब आपका जो भी फैसला होगा,
हमें मंजूर होगा। देवर जी, क्या ये सच जानने के बाद आप अभी भी रश्मि से शादी करोगे? चलो अब अपने दाएं पैर से चावल के कलश को गिरा के घर के अंदर प्रवेश करो। अब इसमें अपने पैर रखो। चलो बहू, अब तुम भी एक घंटा जरा आराम कर लो, फिर बाद में तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म भी करनी है हमें। बड़ी बहू, इसे इसके कमरे तक ले जाओ। जी। और मिसेस वर्मा, जरा अपनी लड़कियों को बोलिए मुंह दिखाई की रस्म की तैयारी करें। अरे चलो लड़कियों, आओ हमारे साथ। दामिनी जी, और कितना इंतजार कराएंगी बहू की मुंह दिखाई में। अरे आप भी कमाल करती हैं मिसेस शर्मा, हीरे जैसी बहू ढूंढ के लाई हूँ अपने बेटे के लिए। अब सजने संवरने में भी तो उसे वक्त तो लगेगा ही ना। तो क्यों रुक गई, थक गई क्या है? जरा अच्छे से बजा और जरा मन से बजा, तभी तो आएगी हमारी बहू। थोड़ा माहौल बनाओ, गीत वीत गाओ, तभी आएगी। मेहमान सर पे बैठे हैं और ये बड़ी बहू भी बना जाने कहाँ मर गई है, किसी का कोई आता पता नहीं है। अविनाश बेटे, अविनाश बेटे। हाँ मम्मी। हाँ मम्मी के बच्चे, अभी तक छोटी बहू का श्रृंगार खत्म नहीं हुआ है क्या? रसम उसकी है और मेहमान मुंह हमारा ताक रहे हैं, जल्दी भेज उसे। मम्मी, रश्मि तो नहीं आ पाएगी। रश्मि नहीं आ पाएगी मतलब? एक्चुअली हुआ क्या ना मम्मी, वो काफी थकी हुई थी तो उसको हमने नींद की गोली देके सुला दिया। लो, हो गया बेड़ा गर्क। अरे उसे नींद की गोली देने से पहले हमसे एक बार पूछ तो लिया होता। अब क्या सोती हुई बहू का मुखड़ा दिखाएंगे हम उन मेहमानों को, तो फिर ना क्या करें हम? मम्मी गलती हो गई ना, आप संभाल लो ना। गलती हो गई, संभाल लो ना, कैसे संभाल ले? जा तू भी जाके सो जा उसका पल्लू पकड़ के। देवर जी, रश्मि का सच माँ जी से बहुत दिन तक नहीं छुपा पाएंगे। आखिर रश्मि का ऐसा कौन सा सच था जिसे अविनाश और उसकी भाभी नीता को छिपाना पड़ रहा था? ऐसा कौन सा राज था रश्मि की जिंदगी का जिसे जानने के बाद अविनाश ने तो उसे अपना लिया था, लेकिन अब वो ये राज अपने परिवार से छिपाए रखना चाहता था। आखिर रश्मि के इस राज का इस परिवार और रश्मि की जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला था? अरे बड़ी बहू, आज तुम्हारी सुंदरता का बखान यहाँ कोई नहीं करने वाला, क्योंकि आज तो हमारी छोटी बहू का दिन है। अरे जाओ जाके कम से कम सबके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम तो करो। हाँ जी। अरे मिसेस शर्मा,
आप यहीं बैठी हैं अभी तक? अरे इस मुंह दिखाई की रस्म करने के लिए सबसे ज्यादा तो आप ही बेसब्र हो रही थी। जाके देखिए और बताइए हमारी बहू कैसी लगी आपको। आपकी बहू तो हीरा है, हीरा बिल्कुल कोहिनूर हीरा। आखिर ये पसंद किसकी है? अरे वाह 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 वाह, आज तुम्हारी छोटी बहू ने हमारा जी खुश कर दिया है। हर कोई इसके रूप के बखान गा रहा था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे जयसी महाराज का पद्मावत और तुलसीदास जी का वो गौरी बखान। मजा आ गया आज तो। बहू तुम एक काम करो, सबके लिए अपने हाथों से सूजी का हलवा बना लो। जाओ जाओ जाओ। अरे अरे अरे, अब तुम कहां चल दी? रसम इसकी है तो परीक्षा भी तो यही देगी ना। तुम यहां बैठो भाई, आज इसका दिन है। जाओ ना बेटा जाओ, और तुम बैठो यहाँ, बैठो 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 बैठो। हाय, ये रश्मि तो हमारे घर की बिल्कुल रौनक बन के आई है। रौनक आखिर पसंद किसकी है? हमारी पसंद में कभी खोट निकल ही नहीं सकता। रश्मि, क्या हुआ? रश्मि 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 रश्मि, इसे अचानक क्या हो गया? ये तो मिर्गी है। माँ इसे मिर्गी का दौरा पड़ा है। हम अपने घर में खोटा सामान तक नहीं रखते और आपने अपनी बीमार बेटी हमारे पल्ले बांधी। धोखा दिया आपने हमें। आप जैसे फरेबियों से हमें कोई रिश्ता नहीं रखना। ले जाइए अपनी बेटी यहां से। नहीं नहीं समन जी, आप ऐसा मत कहिए। कम से कम आप तो एक बेटी के बाप के दर्द को समझने की कोशिश कीजिए। माना कि हमने शुरुआत के दिनों में आपसे सब कुछ छुपाया था, लेकिन शादी से दो हफ्ते पहले मेरी बेटी रश्मि ने खुद दामाद जी को और आपकी बड़ी बहू को ये सब कुछ सच सच बता दिया था। क्या कह रहे हैं? हम पूछ रहे हैं क्या कह रही है ये? मम्मी ये सच। तुम्हें ये सब कुछ पहले से ही पता था और तुमने हमें नहीं बताया, क्यों? मम्मी हम डर गए थे, अगर आप ये रिश्ता तोड़ देती तो रश्मि जैसी साफ दिल लड़की हम खो देते, क्योंकि शादी की अहमियत इतने अच्छे से समझती है कि इसने इसकी शुरुआत झूठ से ना करके सच से करी। पागल हो गए तो? कैसे गुजारेगा पूरी जिंदगी इसके साथ? मम्मी अगर आपको रश्मि पसंद नहीं है तो मैं इसको लेके कहीं और चला जाऊंगा, लेकिन मैं इसे नाता तोड़ नहीं सकता। तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम तुम्हें अपने से अलग जाने देंगे? अपनी बीवी को अंदर लेकर जाओ। जी।
बहू। अरे जी बैठो बैठो बैठो। कमाल है, एक घड़ी भी तुम खाली नहीं बैठती, जब भी देखो कुछ ना कुछ करती रहती हो। ये क्या? चुनी हुई दाल में भी कंकड़? माँ जी भूल हो गई। माँ जी कोई बात नहीं, गलती तो किसी से भी हो सकती। ये सब छोड़ो और हमारा एक काम करो, ऊपर छत से हमारी नीली साड़ी उतार लाओ। वो सोमवार को हम नीला पहन के भगवान नीलकंठ का ध्यान जो करते हैं। अच्छा जी माँ जी, अभी लाए। क्या कर रही थी? हम नहीं आते तो सच में नीचे गिर जाती। ऐसे ठीक है, बस टेंशन मत लो, खुश हो जाओ। तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं मिलने, इसीलिए तो हम यहाँ आए थे तुम्हें ढूंढते हुए। चले एक लड़की अपना घर परिवार अपने माता पिता को छोड़कर अपने ससुराल आती है, इस उम्मीद के साथ कि वहां उसे प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा। लेकिन यहां तो रश्मि की सास सिर्फ दिखावे के लिए उसके साथ अच्छा होने का नाटक कर रही थी। दरअसल रश्मि की बीमारी उसके लिए किसी बहुत बड़े खोट से कम नहीं थी। ये बात उसकी कुंद सोच से परे थी कि हर इंसान में अगर कुछ खूबियां होती हैं तो कुछ कमियां भी होती हैं। वो तो रश्मि की इस कमी के लिए उसकी जान लेने पर आमादा थी। एक बार कोशिश भी कर चुकी थी लेकिन नाकाम रही। लेकिन दामिनी जैसी मानसिकता वाले लोग एक मौका चूकने के बाद दूसरा मौका तलाशने लगते हैं। दीदी हाँ, हमें तो माँ जी हमारी बीमारी की वजह से कुआ पूजन में नहीं ले गई, लेकिन आप क्यों रुक गए? मैं अपनी छोटी बहन को अकेले छोड़ के कैसे जाती? दीदी आप सच में बहुत अच्छी हैं। अच्छा, इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। छोड़िए सब, आज घर में कोई नहीं है, दोनों मिलके ना बहुत सारी मस्ती करेंगे। एक काम करते हैं, मैं भजिया तलती हूँ और तुम गरम गरम चाय बनाना, ठीक है? ठीक है चलो। एक मिनट, माँ जी का फोन है। हेलो बड़ी बहू। जी माँ जी, बात यह है कि वो उपहार का जोड़ा तो हम घर ही भूल गए हैं। तुम मिश्रायन आंटी का घर जानती हो ना? जी हाँ, बस उसके बाहर ही खड़े हैं। एक काम करो ना, हमें यहाँ ला के दे दो। लेकिन माँ जी जोड़ा रखा कहाँ पे है? वो थाली में पड़ा है, सोफे के पास ही होगा, जरा देख लो। जी हम अभी लेकर आते हैं। हम इंतजार कर रहे हैं।
रश्मि, माँ जी ये जोड़ा यहीं पे भूल गई है। मिश्राइन आंटी यहीं पास में रहती है, हम ये देकर आते हैं, 20-25 मिनट में वापस आ जाएंगे। हाँ, तब तक तुम बच्चे की तैयारी शुरू करो, ठीक है? ठीक है दीदी। हाँ, मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसे हो? पापा कैसे हैं? मैं बहुत खुश हूँ माँ, आप चिंता मत कीजिए। हाँ माँ, सच में अविनाश जी, दीदी, मम्मी पापा सब मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं। अच्छा माँ सुनो, वो मैं ना प्याज के पकौड़े बना रही हूँ, तो वो गैस पर जल रहे हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है माँ? ना ध्यान रखना। रश्मि, ए चाबी दो। रश्मि, 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 रश्मि क्या हुआ? उठो रश्मि, रश्मि आंखें खोलो रश्मि। अबे कोई आया, भाग भाग, आंखें खोलो। कौन, कौन है तुम लोग? रुको रुको रुको, कौन हो तुम? रुकिए, कौन है तुम? रुको, तुम बोलो। रश्मि, 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 रश्मि आंखें खोलो, रश्मि, रश्मि उठना बेटा, क्या हो गया? देखिए ना, ये कुछ बोलती क्यों नहीं? रश्मि उठना बेटा, क्या हो गया? रश्मि क्या हो गया? आंखें खोलो बच्चे, प्लीज आप हमें ये बताइए कि एक्चुअली हुआ क्या था। हम माँ जी को जोड़े का थाल देने जा रहे थे, तभी हमें गली में पड़ोसियों का लड़का मिला और हमने जोड़े का थाल उसे दिया और कहा कि माँ जी तक पहुंचा दे। तब हम जब घर के बाहर वापस आए तो हमें रश्मि की चीख सुनाई थी, और अंदर आके देखा तो रश्मि यहाँ पे खून में लथपथ पड़ी थी। तभी अंदर से तीन आदमी भाग कर आए और हमें धक्का देकर चले गए। इस वक्त पुलिस के सामने सवाल ये था कि क्या ये वाकई लूटपाट की घटना थी या फिर किसी साजिश के तहत रश्मि की हत्या की गई थी। रश्मि की हत्या हुए एक हफ्ता बीत चुका था,
लेकिन पुलिस अब तक इस गुत्थी को नहीं सुलझा पाई थी। तो क्या रश्मि की हत्या का राज हमेशा के लिए राज बनकर रह जाएगा? इतने कम पैसे? जितने की बात हुई थी उससे बढ़ा के दे रहा हूँ। अब एक रुपया ज्यादा नहीं दूंगा। इतने कम पैसे में काम नहीं चलेगा, समझे? अभी चुपचाप निकल, बाद में बात करते हैं, और यहाँ मत आना, समझे? ठीक। रुको, कौन है तुम? रुकिए, कौन है तुम? कौन है तुम? कौन है तुम लोग? सुनिए, एक मिनट सुनिए ना, वो आदमी कौन था जिसको आपने पैसे दिए? हम क्या तुम्हारे मुनीम हैं जो हर बात का हिसाब दें? पार्टी थी हमारी, अब जाइए अपना काम कीजिए। नहीं, वो दरअसल जिस दिन रश्मि का खून हुआ था उस दिन वो तीन आदमी भागे थे ना, उसके चेहरे पे भी बिल्कुल ऐसा ही निशान था जैसा इसके चेहरे पे था। आंखें पथरा गई हैं तुम्हारी, समझे? ये चूल्हा चौका करते करते एक काम करो, तुम कुछ दिन के लिए मायके चली जाओ और हमारे हर रास्ते से हटो, ऑफिस के लिए देर हो रही है हमें। चोट का निशान। माजी, हम सच कह रहे हैं, जैसा निशान उस आदमी के माथे और चेहरे पर था बिल्कुल वैसा ही निशान इसके चेहरे पे भी था। हो सकता है इसी आदमी ने चोरी करने की कोशिश की हो। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये आदमी इनसे क्यों झगड़ा कर रहा था, कुछ पैसों को लेके बात कर रहा था। माँ जी, हमें लगता है कि पुलिस को बुला लेना। पागल मत बनो, ये जासूसी का काम पुलिस कर लेगी, तुम ज्यादा इसमें अपना दिमाग मत लगाओ। वैसे भी ये सब करके कौन सा रश्मि जिंदा हो जाएगी? लेकिन बस शुक्र मनाओ उस दिन तुम नहीं मरी। ज्यादा जासूसी करोगी तो ये गुंडे लोग उन्हें पकड़वाने वालों को भी जिंदा नहीं छोड़ते, समझी तुम? अब अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करो और घर के काम में मन लगाओ। जी माँ। रजनीश, उस आदमी को यहाँ बुलाया है क्यों? दीता ने उसे देख लिया है और उसे पूरा यकीन हो गया कि वो उन कातिलों में से एक है। मैंने उसे नहीं बुलाया माँ, वो अपने आप टपक पड़ा। इसे समझा दे कि वो तेरे से दोबारा कभी ना मिले, और अपनी बीवी को भी संभाल, वो पुलिस में जाने की बात कर रही थी। आप चिंता मत कीजिए माँ, इसको मैं सीधा करता हूँ। क्या कर रही है ये? कीड़े वाली भिंडी काटती? मालूम है ना हमें किसी भी चीज में जरा सा भी खोट बर्दाश्त नहीं। चल फेंक इसे। अब ये काट। तूने ऐसा क्या सुन लिया है जो तेरे इतने पसीने छूट रहे हैं? भिंडी काट। काट।
लगता है तेरे में भी खोट आ ही गया है। देख ले, एक खोट वाली तो भगवान को प्यारी हो गई। लगता है तुझे भी भगवान के पास जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। चल भिंडी काट। अविनाश उठो, अविनाश रश्मि का खून। अविनाश से मिलने आई हो, लेकिन तुम्हारा देवर तो बिजनेस टूर पे गया हुआ है। हमसे कह दो क्या कहना चाहती हो। वैसे हमें सब कुछ पता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। हम अविनाश की दूसरी शादी कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तेरे पति की भी दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी, और वो भी बिना खोट वाली बहू से। नहीं नहीं माजी, माजी, माजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मुझे माफ कर दीजिए माजी। किस मिट्टी के बने हैं ये लोग, शादी जैसे पवित्र रिश्ते को मजाक बनाकर रख दिया। एक बहू की जान तो ले चुके थे, अब दूसरी बहू को मारने पर आमादा थे। अपने झूठे मान सम्मान के लिए इंसान कैसे इस हद तक गिर जाता है कि किसी की जान लेने में भी संकोच नहीं करता। असल में ऐसे लोग तो इंसान कहलाने लायक भी नहीं है। इन अपराधियों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है, और वो है जेल। लेकिन यहां तो असलियत जानने वाली नीता इन लोगों के चंगुल में बुरी तरह से फंसी हुई थी। नौकर तो हम रख नहीं सकते ना, क्योंकि तेरा तो कोई भरोसा ही नहीं है। तेरी जबान तो किसी के सामने भी खुल सकती है, इसलिए घर के सारे काम अब तुम ही करोगी। चलो चलाओ हाथ, ये स्विमिंग पूल हमें अभी के अभी साफ चाहिए, समझी तू? सुनिए जी, इसका ज्यादा दिन जिंदा रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही तो हमने रश्मि का खून करवाया है, अगर ये भी मर गई तो हम लोग बुरे फंस सकते हैं। ऐसा करो, इस ससुरी से इतना काम करवाओ कि काम कर करके अपनी मौत खुद ही मर जाए। वक्त अब ये लोग कहां से आ गए? अरे सुनो, रश्मि के माँ बाप आए हैं, जाओ जल्दी जाके उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। जी। नमस्ते। नमस्ते, सब कुशल मंगल? जी, दरअसल हम लोग रश्मि की आत्मा की शांति के लिए एक हवन करवाना चाहते हैं। अगर आपकी इजाजत हो जाए तो दामाद जी भी उसमें शामिल हो जाएंगे। पति के हाथों विधि संपन्न होगी तो रश्मि की आत्मा को भी शांति मिलेगी। क्यों नहीं, जरूर जरूर। अरे आप यहाँ क्यों खड़े, आइए ना हमारे साथ, आइए बैठिए। आइए आइए। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सोच रही हो कि सबके सामने हमारा भांडा कैसे फोड़े, है ना? हमारी बात ध्यान से सुन। उनके सामने तुमने अपनी जबान खोली तो तुम्हारे साथ साथ ये बुड्ढा बुड्ढी भी मारे जाएंगे, समझी? चल अब जल्दी से चाय बना और बाहर निकल आ। Thank you.
पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन मिली कि रश्मि की हत्या किसने की? संधि जी क्या कहें, पुलिस से तो हमारा विश्वास अब उठता ही जा रहा है। काश उन लोगों ने हमारी हत्या कर दी होती, हमारी जान ले लेते। अरे जवानी में हमारी बहू को मैं बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या करें, अब कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। वैसे आपने सोचा है कि आप ये हवन कब करवाना चाहते हैं? जी, पंडित जी से कह दिया है मुहूर्त निकालने के लिए, वो जैसे ही तारीख पक्की करते हैं हम आपको सूचित कर देंगे। बहू जी, हमारे ख्याल से सबकी चाय हो गई है, तुम जा सकती हो। समधि जी, बहू के हवन के बारे में जैसे ही पता चले हमें बता दीजिएगा। आप लोग ज्यादा चिंता मत कीजिए, जो होना था हो गया, अब जिंदगी तो चलती ही रहती है। क्या कर रही है तू? हाँ, क्या मिटाने की कोशिश कर रही है? रश्मि को इन लोगों ने मार दिया है, अब मेरी बारी है। अच्छा माँ जी, फिर मेरा यकीन कीजिए, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। हम जानते हैं, अगर पढ़ दिया होता तो अब तक तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया होता। तेरा भरोसा नहीं है अब हमें, तेरा भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। चल हमारे साथ। नहीं माँ जी, चल माँ जी। हेलो बेटा, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ पापा जी, बोलिए ना। बेटा अभी हम तुम्हारे घर से आ रहे हैं, वहाँ पर तुम्हारी भाभी ने अपने हाथ पर लिख के हमें बताया था कि रश्मि की मौत के जिम्मेदार तुम्हारे घर वाले हैं, और अब उसकी बारी है। हम रश्मि को तो खो चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी भाभी को भी खो दो। पापा आप चिंता मत कीजिए, और अभी ना आप पुलिस के पास मत जाइएगा, मैं आपसे आके मिलता हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। ठीक है बेटा, तुम जल्दी आ जाओ। तुम तो दो दिन बाद आने वाले थे ना? हाँ मम्मी, लेकिन रश्मि के पापा का फोन एकदम सही टाइम पे आया। उन्होंने कहा कि रश्मि को मारने के बाद अब आप नीता भाभी को मारने वाली। तुझे रश्मि का? हाँ मम्मी, मुझे सब कुछ पता है, अब आप नीता भाभी को मारने वाली है ना? उन्होंने पुलिस को बताया क्या? नहीं नहीं, मैंने उनको मना कर दिया, सही किया ना? ठीक किया। पर आप लोगों ने नीता भाभी के साथ किया क्या? बेटे तेरी दूसरी शादी तो हम कर ही रहे थे, तो सोचा साथ साथ तेरे बड़े भाई का भी भला क्यों ना कर दें, इसलिए उस नीता को हमने बांध के इस गाड़ी की डिक्की में बंद किया हुआ है, और हम उसे नदी में बहाने जा रहे हैं। अच्छा, पर अभी तो 11 बज गए, तो मेरा मतलब है अभी कैसे जाएंगे आप? मैं अभी उसी रास्ते से आया हूँ, पूरी रास्ते नाकाबंदी हुई हुई थी। हाँ मेरी मानिए, आप थोड़ी देर बाद जाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। शाबाश शाबाश बेटा, ये तूने बहुत अच्छा किया कि हमें बता दिया। ठीक किया इसने। हमारा बेटा हमारे साथ है, अब हमें किसी की परवाह नहीं। चलिए हम लोग अंदर चलते हैं। और मम्मी, नीता भाभी को भी ले ले। रहने दे उसे इस डिक्की में, वैसे भी 2 घंटे के बाद तो उसे जाना ही है ना। चलो उस खोट के माँ बाप के साथ मिलकर तूने पुलिस बुलाई है। खोट रश्मि में नहीं, आप सब में है, समझिए। आप हमेशा आपकी बातें चुपचाप सुनता रहा, सोचा कि बड़े हमेशा सही बोलते हैं, लेकिन होके आपने ऐसा किया क्यों? काश मैं रश्मि को लेके कहीं और चला जाता, कम से कम वो आज जिंदा तो होती। सर गिरफ्तार कर लीजिए इनको, ले चलो सबको। चलो चलो सब।
जिनकी खुद अपनी सोच में खोट हो उन्हें दूसरों में खोट निकालने का क्या हक है? दामिनी जैसे लोग क्यों नहीं समझते हैं कि इंसान और सामान में फर्क होता है? नीता अपनी देवरानी रश्मि को तो अपने अपराधी सास ससुर और पति के हाथों से नहीं बचा पाई, लेकिन अपनी हिम्मत रश्मि के माता पिता के साथ और अविनाश की मदद से उसने अपनी जान तो बचाई ही, साथ ही साथ अपने सास ससुर और पति को अरेस्ट भी करवाया। रश्मि की सास दामिनी, ससुर कैलाश और जेठ रजनीश को आईपीसी के सेक्शन 302 और 120B के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई और इनके कहने पर रश्मि की हत्या करने वाले गोपी, मुन्ना और बाबू को सेक्शन 302 के तहत 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। कोई सामान हो, वस्तु हो, उसे परफेक्ट बनाया जा सकता है और अगर उसमें कोई खोट हो तो उसे दुरुस्त भी किया जा सकता है, लेकिन इंसान तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान में कोई ना कोई कमी जरूर होती है और जो लोग ये सोचते हैं कि कमी की वजह से इंसान की जान ही ले लेनी चाहिए, तो फिर उस लिहाज से तो इस दुनिया में कोई इंसान बचेगा ही नहीं। तो बजाय इसके कि आप दूसरों की कमियां ढूंढते रहें, अपनी कमियों को पहचानिए, उन्हें दूर करने की कोशिश कीजिए। सावधान रहें, सतर्क रहें, बेहतर इंसान बने। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक, क्योंकि अब सवाल है परिवार का।